Very good morning, students. How are you? I hope all of you will be fine. I am your maths teacher, and today I am going to teach you maths of class 2. And today we continue chapter 10, shapes. And today we do page number 104 to 106. Now open chapter number 10. This is your maths book of class 2. Now this is the chapter number 10, shapes. Now open page number 104. Now see here, this is the page number 104. And today I am going to explain three dimensional shapes or solid shapes. Okay, देखो थ्री डायमेंशनल शेप्स को हम सॉलिड शेप भी कहते हैं. थ्री डायमेंशनल का मतलब होता है बच्चों, उसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ये थ्री चीजें होती हैं. ओके, तो चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं क्यूबॉइड के बारे में. क्यूबॉइड हम किसको कहेंगे, ठीक है? अब देखिए क्यूबॉइड में जब हम सामने से उसे देखते हैं तो हमें रेक्टेंगल की तरह दिखाई देता है, लेकिन उसकी हाइट भी होती है. देखो ये ब्रिक है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये इसके नीचे हाइट है, यानी कि मोटी होती है ब्रिक, तो ये बॉक्स की तरह दिखाई देती है. तो ये है क्यूबॉइड. ये आपकी नोटबुक है, ठीक है? ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये इसकी क्या है, हाइट. क्योंकि मोटी होती है तो क्या होती है, हाइट. तो इसमें थ्री चीज़ें हो गई, लेंथ भी हो गई, ब्रेथ और हाइट. और ये देखो रेक्टेंगल की शेप की दिखाई दे रही है, तो ये है क्यूबॉइड. इसी तरह से कोई भी बॉक्स होता है, जैसे आप मार्केट में जाते हैं, शूज़ लेते हैं या स्लीपर लेते हैं, तो वो आपको एक बॉक्स में रख कर देते हैं, तो उसकी लेंथ होती है. इसी तरह से बॉक्स होता है अगर हम इसे हटा दें तो, और उसकी हाइट भी होती है जिसके अंदर आपके शूज़ या स्लीपर्स रखे हुए होते हैं. तो वो बॉक्स क्या हुआ, क्यूबॉइड. आप अपना लंच बॉक्स लेकर आते हैं, लंच इसके अंदर रखते हैं, तो उसकी लेंथ होती है, ब्रेथ होती है और उसकी हाइट भी होती है, तो वो क्या हो गया, क्यूबॉइड. पेंसिल बॉक्स होता है आपका, पेंसिल बॉक्स में आप पेंसिल रखते हैं, तो वो भी क्या है, क्यूबॉइड. तो इस तरह से जो भी शेप होती है उसे कहते हैं हम क्यूबॉइड. अब देखिए क्यूबॉइड में हमारे फेसेस होते हैं, वर्टाइसेस होते हैं और एजेस होते हैं. ओके, तो जो प्लेन जगह होती है यानी कि जो ऊपर से हमें दिखाई देता है उसे हम कहते हैं फेस, ठीक है? जैसे हमने ये नोटबुक है, इसको ऊपर से देखा, इसको नीचे से देखा, यहाँ से देखा, यहाँ से देखा, यहाँ से, यहाँ से, तो ये होते हैं उसके फेसेस. ओके, जैसे देखिए ये क्या है, डस्टर. तो ये हमने उसको ऊपर से हमें दिखाई दे रहा है तो ये इसका फेस हो गया. अब हमने इसको ऐसे किया तो ये हमें ये दिखाई दे रहा है, ये भी इसका फेस है. ये से किया हमने, ये भी इसका फेस है. जो प्लेन जगह होती है ये भी इसका फेस है. यहाँ से देखा ये भी इसका फेस है, और फिर यहाँ से देखा ये भी इसका फेस है. तो इन्हें जो प्लेन जगह होती है इसे कहते हैं फेस, और ये हमें रेक्टेंगल की शेप में दिखाई देती है, इसलिए ये है क्यूबॉइड. तो इसमें देखो फेसेस कितने होते हैं, सिक्स, वन और नीचे का टू, ये नीचे है टू, यहाँ थ्री, ये फोर, यहाँ से फाइव और ये सिक्स. इसी तरह से वर्टाइसेस यानी कॉर्नर, देखो ये कॉर्नर है, वन टू थ्री फोर. इसी तरह से नीचे होते हैं जब हम इसको पढ़ते हैं, फोर फोर या फाइव, सिक्स सेवन एट, तो एट वर्टाइसेस होते हैं. एजेस होती हैं लाइन, ठीक है? अब जैसे ये वन लाइन, टू लाइन, थ्री लाइन, फोर लाइन. अब हम इसको ऐसे कर देंगे तो फिर ये फाइव सिक्स सेवन एट लाइन. फिर ये इसको हम मिला देंगे, देखो ये भी लाइन आ रही है हमारी, तो नाइन
10 और यहाँ से 11 और फिर ये 12, तो ये होते हैं एजेस, तो 12 एजेस होते हैं। इसी तरह से है क्यूब, ये है क्यूब। क्यूब बिल्कुल बच्चों क्यूबॉइड की तरह होता है, बस जो क्यूबॉइड है वो हमें ऊपर से रेक्टेंगल की शेप में दिखाई देता है, लेकिन क्यूब हमें स्क्वायर की तरह, कहीं से भी हम उसको देखेंगे तो स्क्वायर की तरह ही दिखाई देता है। जैसे हमने यहाँ से देखा तो स्क्वायर दिखेगा, ऊपर से देखेंगे तब भी हमें स्क्वायर दिखाई देगा, साइड से हम देखेंगे तब भी वो हमें स्क्वायर ही दिखाई देगा। जैसे डाइस है, ये आइस क्यूब है, ये एक बॉक्स है जो हर तरह से हमें स्क्वायर की तरह दिखाई देता है, तो इसे कहते हैं क्यूब। तो देखो इसकी ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई और ये इसकी हाइट हो गई, जो उसकी थिकनेस होती है। इसमें भी फेसेस यानी कि जो प्लेन जगह होती है क्यूबॉइड की तरह ही होती है, जितने क्यूबॉइड में फेस होते हैं उसमें भी 6 होते हैं, एजेस 12 होते हैं और वर्टेक्स यानी कि जो कॉर्नर होते हैं वो 8 होते हैं। नेक्स्ट है सिलेंडर। सिलेंडर बच्चों देखो ये सिलेंडर दिखाई दे रहा है, यानी कि ये इसकी ऊपर से हाइट है और बीच में क्या होता है गोल होता है, राउंड में होता है, इस तरह से देखो बीच में से गोल और उसकी लेंथ होती है, ऊपर हाइट होती है, ठीक है, यह लेंथ होती है। तो ये है सिलेंडर, देखो ये इसी की तरह दिखाई दे रहा है। ये रॉड है ना, जैसे वाटर के पाइप होते हैं, लाइट के पाइप होते हैं, घर में हम रॉड लगी हुई होती है लाइट की, सुबह हम जलाते हैं या शाम को जलाते हैं अंधेरा होने पर, तो जो रॉड होती है वो इसी तरह से रॉड होती है, बीच में से गोल होती है और इस तरह से लेंथ होती है उसकी। ये आपकी पेंसिल है, इसकी ये लेंथ है और बीच में से ये गोल है। अब मान लीजिए ये पेन है, ये इसकी लेंथ है और बीच में से ये गोल है, तो ये सब क्या है सिलेंडर की शेप के हैं, इसी तरह दिखाई देते हैं, तो ये है सिलेंडर। इसमें जो एजेस होते हैं बच्चों देखो लाइन जो होती है वो एक वन लाइन और ये टू, तो एजेस हमारे टू होते हैं। और फेस यानी हम कैसे देखते हैं, ऊपर से देखेंगे और नीचे से, तो टू हो गए और एक बीच का ये जो गोल वाला पार्ट होता है, तो थ्री फेस होते हैं इसके। वर्टेक्स यानी कॉर्नर, इसमें कहीं पे भी कॉर्नर दिखाई दे रहा है क्योंकि तो राउंड में है तो कॉर्नर इसमें है ही नहीं, तो इसमें कोई भी वर्टेक्स नहीं होता, तो नो वर्टेक्स। एंड कोन, कोन बेटा आप आइसक्रीम खाते हैं तो देखो जिसके अंदर हम आइसक्रीम फिल करते हैं ये नीचे का पार्ट होता है, तो अंदर से खोखला होता है, हॉलो होता है। तेल ऑयल हम लेते हैं तो जो शॉपकीपर होता है वो इस तरह से फनल होता है उनके पास, ये उसमें लगाते हैं केन में और फिर ऊपर से ऑयल उसमें फिल करते हैं, तो ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है ये इसी की तरह होता है, तो ये है कोन। आप अपने बर्थडे पर कैप लगाते हैं, जोकर है सर्कस में, जोकर कैप लगाता है, तो वो इसकी शेप इसी तरह से होती है ना। और ये टेंट है, तो ये सब क्या है किसकी शेप है, ये कोन की। तो कोन में जो वर्टेक्स होता है यानी कि जो कॉर्नर होता है, देखो ये कॉर्नर है ऊपर तो गोल है तो ये कॉर्नर है, तो यहाँ पे वन वर्टेक्स होता है। एजेस यानी कि जो लाइन है, तो इसको जब हम मिलाते हैं तो उसमें एक ही लाइन होती है, तो वन एज होता है। और फेस क्योंकि यहाँ पे तो कॉर्नर है तो सिर्फ गोल बीच वाला ही पार्ट होता है गोल वाला, तो इसलिए इसमें और एक ये ऊपर का होता है जिसको जैसे ये रखा हुआ है नीचे और ये बीच का, तो टू फेसेस होते हैं। तो ये है कोन जो आपकी आइसक्रीम की तरह या बर्थडे कैप की तरह होती है। फिर है बच्चों स्फीयर। स्फीयर आपने देखो ये बॉल देखी होगी, आप खेलते भी हैं बॉल से, ये हमारा ग्लोब है, ऑरेंज है, लेमन है, सबने देखा होगा लेमन, नींबू, और आप मार्बल छोटे बच्चे खेलते हैं, बड़े भी खेलते हैं मार्बल से जिन्हें हम कंचे कहते हैं, ठीक है, तो ये सब क्या है स्फीयर, क्योंकि ये बॉल की तरह दिखाई देते हैं। तो जो बॉल की तरह शेप दिखाई देती है जिसे हम हाथ में भी ले सकते हैं उसे कहते हैं स्फीयर। इसमें फेस यानी कि एक ही होता है, चारों तरफ से गोल होती है, तो फेस वन होता है, इसमें कोई कॉर्नर नहीं होता, कोना नहीं होता कोई कॉर्नर, तो नो वर्टेक्स। और इसमें कोई लाइन क्योंकि तो राउंड में होती है, लाइन तो है ही नहीं इसमें, तो इसमें नो एज, तो ये है स्फीयर। तो इस तरह से आज आपने सॉलिड शेप्स के बारे में पढ़ा, इनको आप एक बार और रिवाइज कर लेंगे, ठीक है, अपनी बुक में से आप इनको रीड करेंगे। सो नाउ थैंक यू, हैव अ नाइस डे।